वो देखो हमारी छाती वाली दीदी वो भी नी मत ना, वो भी गायब हो रहा है। तो दोस्तों अगर मम्मी का कमर दर्द ठीक करना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग बताइए। और दोस्तों आज हमारे आज सुबह सुबह हमारे 38,000 सब्सक्राइबर हो गए, 38,000 की बड़ी बिग फैमिली हो गई है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ कि एक अपना फेवरेट गाना सुना दूँ इसी शुभ अवसर पर, और फिर हम ना नीचे जाएंगे मुंगरी भूतने। और आज देखो मौसम कितना सुंदर हो रखा है, मतलब 3-4 दिन से ऐसे भयंकर वाली बारिश हो रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गाना और फिर चलते हैं हम पोंगड़ों में मुंगरी भूतने। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के भागे तेरी उंगलियों से जाऊझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे। तो दोस्तों इस गाने को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि मेरी मम्मी तक पहुंच जाए, नेहा कक्कर तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं और हम जाएंगे पुंगड़े। लाइक शेयर कॉमेंट। तो भाई मम्मी तो खेत पे पहुंच गई है, मैं भी जाती हूँ। शाबाश सुनिका, शाबाश। आज तो सुनिका मक्का बो रही है भाई। मम्मी की मदद करती हो, अच्छी बात है। मम्मी की मदद करती हो और चीज में तो करती है, लेकिन अब खेती बाड़ी में भी करने लगी हो ना, बात तो ये है। तो आज हम दोस्तों मुंगरी भूतने वाले हैं और बारिश भी हो रही है। पहाड़ों में सबसे घास, इसको हम अच्छे से इसमें जो भी कचड़ा होता है उसको निकाल देते हैं ना। हाँ बेटा, ये पन्नियों से नहीं होता कुछ। ये कौन है मधु सुपारी वाला, मुझे लगा दिलबाग वाले। आइए आइए, अब इसे एक पानी लेके आ गया। अरे देखो कितनी मदद कर रहा है, और दिन तुम लाते थे पानी। आज क्योंकि आज मैं पानी लेने नहीं गई, आज अब्बू गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं मुंगरी बूटती हूँ। घूम के भी आ गई हो, मौसम बहुत अच्छा रहा। ये देखो, ये देखो मुझे क्या मिला, लहसुन। इससे पहले यानी यहाँ पे लहसुन था, लहसुन था, मूली भी थी। वो देखो मूली, इधर लाओ उसको। ये मूली अभी खराब हो गई है बेटा, पक्की हो जाती है ना ये मूलियाँ, तो वो अच्छी नहीं होती। इसको हम खो देंगे तो सोना भी निकल सकता है। सोने की खान नहीं है, सच बताऊं तो चाहे कितना भी गहरा खोद दो ना नहीं मिलेगा सोना। पर एक बार आया था कि थलेसन की पहाड़ियों में निकलेगा सोना। हाँ, न्यूज़पेपर में आया था। न्यूज़पेपर में आया था ना, तो कहीं पे खान है लेकिन पता ही नहीं चला। मम्मी ने सोचा कि हम जाएंगे वहाँ पे। हाँ, ऊपर पहाड़ियों में सोना छिपा हुआ है लेकिन अभी खोद नहीं है, ये सच्ची बात है। ये हमारे मुंगरी का बीज, एक एक हाथ मक्का होती है, एक एक हाथ मक्का। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, सुनो। हाँ बारिश आने लगी है ना, तो क्या करती है पता, मैं करती हूँ जैसे ये मील है, ये यहाँ से ऊपर तो गाय खा लेती है। अच्छा, तो इससे ऊपर तो बोला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, सिखाती हूँ सुनी। कभी तुम तेरी क्यारी बारी रहेगी ससुराल में ना थोड़ा बहुत, तो ऐसे इतने अंतर में देखो, इतने अंतर होना चाहिए मुंगरी में। देखो आप 2-3-4 पीस क्यों बो रहे बेटा, एक कोई कभी जमता नहीं है ना, तो फिर उखाड़ देंगे जब जमी है ना, इतने होने ही चाहिए बेटा, 2-3 डाल। मैंने बचपन में छुप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, अब मैं मुंगरी बोऊंगी, मुंगरी तो हो ही जाएगी। सोना, हाँ खड़े होना, इतना अंतराल, एक एक हाथ का अंतराल देख, एक ही हाथ का अंतराल हो गया ना। तो अच्छा, मतलब जहाँ पे बीज बो रहे हैं उसके बीच में दूरियां भी है जरूरी। इस बार हम मक्का ना दिल्ली भी भेजेंगे, चाची जी लोगों के लिए, ताऊ जी लोगों के लिए मक्का ककड़ी सारी भेजूंगी मैं, इसलिए मैं ज्यादा बोल रही हूँ इस बार। क्यों, और बार क्यों नहीं भेजी हमने? अगर
विदेश से बच्चे आ गए तो वो भी खा लेंगे मक्का, है ना। इसलिए मैं इस बार बहुत ज्यादा मक्का बो रही हूँ। पहले आप इसे खेत में नहीं बोते थे ना, अभी ये वाला साफ कर दिया। यहाँ पे तो ना लोग कचरा फेंकते थे बेटा, फिर मैंने इसको उपजाऊ किया गोबर डाल के, बहुत सारी यहाँ पे उग जाता है। अब डाल रखा है, जब मैं मक्का की गुड़ाई करूंगी ना बेटा, तब मैं इनको सारे, अभी तो बारिश आ रही है इसलिए मैं जल्दीबाजी में कर रही हूँ, जब गुड़ाई करूंगी सारे मैं हटा दूंगी जो भी ये दिलवा के पत्ते लोग यहाँ पे। और यहाँ यहाँ पहले बिल्लियों का घर था ये, लेकिन अब बिल्लियाँ गायब हो गई है। ये देखिए प्राचीन काल का घर है ये हमारा बेटा, दोगी बच्चे देते हैं यहीं देते हैं, यहीं देते ना। हाँ यहीं देते हैं, यही उनका फेवरेट जगह है। यहाँ से बात होता ना मम्मी, पर ये घर किसका रहा होगा, यहाँ पे भी तो कोई रहता होगा ना। पहले ये ऐठे वालों का घर है, आधा ही बना के विदेश से लेके, आधा ही बनाया। ये देखिए दोस्तों, आधा ही बनाया और फिर चले गए थे यहाँ से, तो ये आज तक भी ऐसा ही है, थोड़ा सा खंडर हो चुका है अब। पर इसकी कीमत 40 लाख हो गई बता रहे हैं इसकी पूरे की। हाँ पूरा है जो मकान बेच नहीं रहे ना। हाँ बेच नहीं रहे, पहले 2 लाख का था, 40 का हो गया, कीमत बढ़ती जा रही है। वो देखो हमारी छाते वाली दीदी, व्हाट अ पोज, ये हमारी मॉडल है, मॉडल दीदी। छाता गजब का छाता, इतना बड़ा छाता लेके बारिश सौदेव छाता मतलब, अच्छा अच्छा मजबूत, ये बड़ा छाता क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है ना, अभी भी छींटे ही पड़ रहे। चोरी खाल से आ गई भाई साहब, स्कूल में ही जा रहा था ठंडा बरता है। बड़े अच्छा, देखो इतनी बारिश हो रही है, हर टाइम अपना छाता लेके जाना पड़ रहा है। ये ठंडा कितना हो रहा है बीमा, मतलब कभी अप्रैल में ठंड, देख स्वेटर पहनी सुबह है, अप्रैल में बहुत कम हुआ ऐसा कि इतनी ठंड, कभी भी ना है ना। सनी में तो काम था जल्द बंद था, लेकिन काम के थोड़ा गर्म हो गया ना। मतलब बाय दीदी, बाय बाय, तब मिलते हैं आपको। बाय। कितनी उजाऊ लग रही है ना बेटी, लौकी से बड़ा प्यार है मेरी मम्मी को, ये लंबी वाली लौकी अब हो रही है। अब ये लौकी के लिए है अब ककड़ी बो, अच्छा लौकी ककड़ी यहीं पे बो तो गया ककड़ी, ये लौकी के लिए, और फिर इसकी बेल यहाँ से जाएगी है ना, यहाँ से जाएगी इसकी बेल। तोरी के लिए भी बिल्कुल नीचे से पन्नियाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, कड़कड़ मक्का हर जगह जम जाएगी। लेकिन तोरी नीचे तोरियाँ अगर इसके नीचे पत्थर आ गए ना तो नहीं जमेगी, छोटा सा होने के बाद वो सूखेगा, तो उसके लिए हमने ये देखना कि यहाँ पत्थर तो नहीं या कोई चीज तो नहीं है। मुझे लगा ये सिक्का आ गया, ये देखो तो यहाँ बहुत नीचे तक मिट्टी गहरी है, पत्थर नहीं है, बस हो गया तोरी के लिए भी खेत तैयार। गोबर यहाँ पे बहुत है बेटा, पहले काली मिट्टी नहीं हो रही, ये है तोरी, ये काली तोरी, ये बहुत बढ़िया होती है गुदड़ी और तोरियाँ, ये अलग अलग खानों में हमने बो दी है। और अब सब्जियों की बहार 2 महीने बाद होगी, पर हाँ 2 महीने बाद हमारे किचन गार्डन में सब्जियों की बहार होगी। यस 2 महीने बाद, और मैं तो बोली कि 2 महीने बाद आ जाना सब्जी लेने जितनी चाहिए। है ना, किसको बुला रहे हो, तेरे जो देखने वाले यहाँ सब्जी वाले प्यार दे रहे हैं तुम्हें, उनको बोल रही हूँ मैं, इतना प्यार करते हैं तुम्हें यार, इतनी अच्छी हम अपने सब्सक्राइबर के लिए सब्जियां बो रहे हैं। हाँ, इतने अच्छा प्यार दे रहे, इतने अच्छे कमेंट भेजते हैं उनके लिए सब, तो कमेंट तो 1-2 ही भेजते हैं खराब, बाकी तो मैं देखती हूँ, मैं तो हर कमेंट पढ़ती हूँ, तो 1-2 भेजते हैं, बाकी सब अच्छे ही भेजते हैं, 1-2 जरा उल्टे बोलने बोलते वो सजेशन देते हैं ऐसा करो ऐसा करो, वो भी अच्छे ही कमेंट है। हाँ ये भी है, वो चाहते हैं हम और आगे बढ़े। अरे हाँ ये भी है, अगर माँ बाप तारीफ करते जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो सोचते होंगे ये बिगड़ेगी जरा अच्छे से बनाएगी, ये बिगड़ेगी है ना, मतलब ये अच्छे से बनाएगी और बढ़िया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है ना, और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतने सब्सक्राइब आजकल धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है, काम करने का भी मन होता है यार। नहीं बढ़ते तो नहीं होता, जो मेरा कमर दर्द है वो भी गायब हो रहा है। तो दोस्तों अगर मम्मी का कमर दर्द ठीक करना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कुछ भी रख देना बाहर, गेहूं साफ कर देते बंदर और कबूतर, पर कोई बात नहीं, ये भी अपने ही है।
अपने तो अपने होते हैं। और ये हमारे तोरी का बीज। सोनिका एक बात बताओ, बरसात में जब सारे गढ़वाल से दिल्ली मम्मी कितने प्यार से बोलती है, एक बात बताऊं, एक बार एक कहानी सुनाओ नहीं सुनाऊंगी मैं, बोलो बोलो। ये जो ककड़िया तोरियां और लौकियां हैं, इनको कट्टे भर भर के जब प्लेन से में सब्जियां खत्म हो जाती है तो लोग इसको भर भर के ले जाते हैं कट्टों को अपने रिश्तेदारों के लिए, है ना। ये हमारा फेवरेट काम है, सब्जियां उगा के फिर प्लेन वालों के लिए भेजना तो वहाँ होती नहीं है ना। हाँ तो बेटा अब मैं बोलूंगी यहाँ पे ककड़ी, ककड़ी के लिए ये नाजुक सी होती है ना, ये नाजुक पौधा होता है, तो इसके लिए बहुत सफाई से हमने ऐसे बोना है कि कोई कचरा ना हो नीचे तक, इसकी नीचे तक खुदाई करो। बोले देखो मैं सिखा भी रही हूँ ना तुम्हें कि ताकि तुम भी कभी अपनी खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ा करो और अपनी खैरी में। तो इस तरह से नाजुक होता है, तो केवल मैं ककड़ी लूंगी, ये ककड़िया ककड़ी तोरी मिक्स है ना ये। हाँ मिक्स है, पर यहाँ काली वाली तोरी है। हाँ बेटा तो यहाँ पे होती है ककड़ियों का ढेर, इधर तो सबने देखा होगा, यहाँ पे ताऊ जी ने चाचियों ने उसमें ये वही ककड़ियाँ बूती जा रही हैं। लंबी ककड़ियाँ ये बहुत लंबी होती है, मोटी खीरे नहीं ये ककड़ी है ना। तो इसके लिए मैंने सफाई से यहाँ पे ये बोली है, ये देखिए है ना बेटा। और अब तोरी के लिए अलग खाना होगा, एक 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 लौकी के लिए खाना ये। अच्छा ये हमारे लौकी वाला खाना है, ये हमारा तोरी वाला खाना है। अब और हम ना ये ककड़ी वाला तोरी वाला। अच्छा सॉरी, क्योंकि अब बारिश होने लगी है बेटा 8 महीनों में, जब पूरे देश भर में देश दुर्गा माँ के व्रत चले ना, तब माता ने कहा कि मेरे ये धरती में प्राणी परेशान हो गए, जीव जंतु और मनुष्य, तो अब बारिश कर देते हैं, नहीं तो 8 महीने से इतनी अच्छी अच्छी बारिश हो रही है। और इतनी अच्छी पूरे देश भर की शक्ति जब एक साथ मिलती है ना, महिला शक्ति, उन्होंने पूजा पाठ किया सारी महिलाओं ने, और बारिश झम 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 झमा झम बारिश। सोनी ककड़ी ज्यादा पसंद है ना बेटा, ककड़ी में और बोली ये नाजुक गर्मियों में और अच्छी होती है ना वो। ये देखो मैंने सीढ़ी नुमा खेत बना दिया, एक दो सीढ़ी तीन सीढ़ी। सीढ़ी नुमा खेत का मतलब क्या है, यहाँ पे जमीन तिरछी है, मतलब कैसी है बेटा, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कैसी है ये भवर क्या बोलते हैं, टेढ़ी टेढ़ी मतलब तिरछी जमीन है ना, पूरा मिट्टी बह जाती है, अगर मिट्टी बह के आएगी तो यहीं पे तो आएगी बह के, इसलिए सीढ़ी नुमा बड़ा होता है। इसको बोलते हैं अलमोरू ग्रास, पर ये किसी काम आती है मम्मी बचपन में ना, बचपन में ना ये बड़े बड़े हो जाते हैं जो लाल लाल, इनको खाते हैं, खट्टे होते थे, बड़े मस्त होते हैं, पर नमक मिर्च डाल के अल्मोड़ा बोल दिए थे, अल्मोड़ा। तो भाई ऊपर से ना बारिश की बूंदें गिर रही है। तो दोस्तों हम अपना काम कंप्लीट करके आ गए, हमने मुंगरी जो है हमारे मक्के को मुंगरी बोलते और बोड़े को बोलते बूतना, तो मुंगरी बूत के हम आएगी और जैसे ही वो उगेंगी आपको भिजवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। गाना शेयर करना, नेहा कक्कड़ तक पहुँचाना है।